Assalamualaikum, welcome, khushamadeed, jianu and pakhair ragle to all my very beautiful listeners out there who are listening me right now. This is me, myself and I, Guru Dulana Basi. तो जनाब आज आप मैं और हम मौजूद हैं यहाँ पर. हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें हमेशा की तरह. हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया ट्रेंड्स, व्हाट्स ट्रेंडिंग, व्हाट्स नॉट ट्रेंडिंग, और जो ट्रेंड नहीं कर रहा तो ऐसा क्या हो गया कि वो ट्रेंड नहीं कर रहा है. ये सब बातें होने वाली हैं आज. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज दिन है हफ्ते का. जी जनाब, यानी कि वीकेंड, यानी कि पार्टी टाइम. और वीकेंड की मुनासिबत से ही हम आपके सामने जो शो लाते हैं वो होता है वीकेंड बज. इट्स रियली इलेक्ट्रिफाइंग. ये वो वाला बज होता है, लाइक वू. तो आप लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्लान्स हैं, ये सब आप मुझसे शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में. और वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी. लेकिन उससे पहले आज जिन लोगों का है बर्थडे, जी जनाब, आज जिन लोगों का हैप्पी वाला बर्थडे है, उन्हें मेरी तरफ से हैप्पी 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 बर्थडे. ठीक है जनाब, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत खुशियाँ दे, बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे, और वो सब दे जो आपके हक में बेहतर है. ये मेरी आप लोगों के लिए दुआ है. लेकिन अब ये बताइए कि बर्थडे है किस किस का. ठीक है, तो बर्थडे गर्ल्स, बर्थडे बॉयज, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं. अगर आज नहीं भी है तो कब होती है, बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. इसके अलावा कैसे बता सकते हैं वो तो अब मैं बताऊंगी आपको. www.notfacebook.com/naisubah. जी जनाब, ये हमारा चैनल है, आप इसे जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें. जाहिर सी बात है, ये बोलने की ज़रूरत तो नहीं है. और वहाँ जाकर आप बता सकते हैं कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है, मज़ीद आप इसमें किस तरह की तब्दीलियाँ देखना चाहते हैं. और राइट, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी किस बारे में जनाब. PSL 6, फाइनली पाकिस्तान सुपर लीग 6 इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर. और अब ये पूरा एक महीना रहने वाला है फीवर. तो जनाब, आप में से कौन कौन है जो PSL लवर है, उसके अलावा कराची किंग्स को कौन सपोर्ट कर रहा है. लास्ट टाइम जाहिर सी बात है वो जीत चुके हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ PSL. लेकिन क्या आइंदा वो अपनी इस जीत को बरकरार रख पाएंगे, ये सवाल है. आपको ऐसा लगता है तो बताइए, आपको ऐसे नहीं लगता तो भी बताइए मुझे. लेकिन इस वक्त जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी है वो तुर्की के शहर इस्तांबुल में क्यों रखी गई. पाकिस्तान में जगह नहीं थी, या फिर यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये शिफ्टिंग हुई है, फ़िलहाल हम नहीं जानते. लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि गवादर में हमारे पास इतना खूबसूरत स्टेडियम मौजूद है जिसे दुनिया के खूबसूरत तरीन स्टेडियम में शुमार किया जा रहा है. तो वाई नॉट गवादर. ठीक है, ये एक सवाल है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. हम मज़ीद बात करेंगे इस बारे में, क्योंकि स्पोर्ट्स का शो होता है अलग से, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छी और बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. मैं सिर्फ यही एक सवाल मेरे जहन में बहुत ज़्यादा ना खटक रहा था कि ऐसा क्यों, ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो आप लोगों को ऐसा क्या लगता है, क्या आप लोग भी यही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ. Alright listeners, तो आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामास कौन कौन देख रहा है. जाहिर सी बात है सभी देख रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तानी ड्रामास की TRPs का रिकॉर्ड क्या कहने हैं. मतलब एक से बढ़कर एक ड्रामा प्रोड्यूस हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है, और लोग उसे देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. इवन दो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ लोगों का बड़ा, मतलब क्या कहते हैं ना, तहफ़ुज़ात का शिकार है. वो कि नहीं, इस तरह के टॉपिक्स कैसे खुलेआम हम डिस्कस कर सकते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, यू नो, जो हमारी सोसाइटी का एक वतीरा रहा है हमेशा से. लेकिन इस वक्त जो मैं डिस्कस करना जा रही हूँ आप लोगों से, ये वो ड्रामा है जिसे इस वक्त बहुत 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 ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और वो ड्रामा है रक्स-ए-बिस्मिल. रक्स-ए-बिस्मिल जो है किसने लिखा है, ये लिखा है हाशिम नदीम ने. हाशिम नदीम जो है एक बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं, पोइट्री करते हैं डिफरेंट सिनेरियो में. मतलब राइटिंग के हर फील्ड में वो मतलब नज़र आएंगे आपको. फिक्शन बहुत अच्छी लिखते हैं. लेकिन हाशिम नदीम का बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि हाशिम नदीम बिलोंग करते हैं
बलूचिस्तान प्रोविंस से कोयटा में वो पैदा हुए, और खुदा और मोहब्बत उनका जो नॉवेल है जो जंग अखबार के संडे मैगजीन में किस्तवार छपा करता था, और उस नॉवेल से उनको इतनी पजीराई मिली, वो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मैं भी बड़ा इंतज़ार करती थी इतवार का कि ये नॉवेल हम पढ़ें। उसके बाद फिर उन्हें शोहरत कब मिली, फाइनली जब वो बुक फॉर्म में आ गया और उसके बाद उसके ऊपर एक ड्रामा बना खुदा और मोहब्बत के नाम से, जिसमें अहमद जहांगीर ने जो उसका टाइटल ट्रैक गाया वो भी क्या कमाल गाया, उसे मतलब कहते ना चार चांद लगा दिए। तो खुदा और मोहब्बत का फिर पार्ट टू आया, फिर अब पार्ट थ्री आया। ये उसकी कामयाबी का जो है आपको इससे अंदाज़ा होना चाहिए। लोग इसके मुतालिक अब मज़ीद कुछ और भी राय रखते हैं, लेकिन उस पर मैं ज़रा अभी डिस्कस नहीं करूँगी। मैं अभी आपको बता रही हूँ रक्से बिस्मिल का, वो भी इन्होंने ही लिखा है। लेकिन इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या, इन दोनों में कॉमन चीज़ है कि हाशिम नदीम ने इसमें डिस्कस किया है इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी को, और अब पर्सनली इसमें जो है इमरान अशरफ मौजूद हैं जो कि भोले के कैरेक्टर से आप सब जानते होंगे उनको, उनकी एक्टिंग कमाल है इसमें, और सारा खान इसमें मौजूद हैं। अब सारा खान कौन है, अगर आप सारा खान को नहीं जानते तो मैं आपको बताती हूँ कि किस्मत में कुछ भी हो सकता है, जो लोग कहते हैं ना वो बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि सारा खान एक छोटे से लोकल एड में जब आईं तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उन इंडस्ट्री में वो यहाँ पहुँच जाएंगी जहाँ पर वो आज हैं। और सेकंड, अब उन्हें लोग ज़्यादा इसलिए भी जानते हैं कि फलक शब्बीर जो एक बहुत मशहूर सिंगर हैं उनके साथ उन्होंने अभी हाल में ही शादी की है। तो ये सारा खान का इंट्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, मासूम है, क्यूट है, ये उनकी पहचान है इंडस्ट्री में। अब जो है मूसा का जो कैरेक्टर है, मूसा को मोहब्बत हो गई है सारा से, सारा खान जिनका नाम जोहरा है ड्रामे में, और अब ये मोहब्बत उन्हें कहाँ लेके जाएगी आप ड्रामा देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। लेकिन इसमें यह है कि एक सैयदजाद घराने के लड़के को एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो गई है जो ऐसी जगह से बिलोंग करती है जहाँ आम लोग जो हैं वो जाना पसंद नहीं करते, और इस तरह की सोसाइटी को बिल्कुल मायूब समझा जाता है, लेकिन उसे मोहब्बत हो गई, और मोहब्बत तो मोहब्बत है, लव इज़ ब्लाइंड। तो देखते हैं अब एंड में क्या होता है, आप बताएं रक्से बिस्मिल क्या आप देख रहे हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी क्या राय है कि इश्क़ जो मजाजी है और इश्क़ हकीकी जो है क्या उन दोनों को मर्ज करना ठीक है, जैसे कि हाशिम नदीम अक्सर करते हैं। ये उनकी मतलब एक तरह से कह लें कि हर राइटिंग में उनकी आपको ये चीज़ नज़र आएगी खास तौर पे, जिस तरह की उमैरा अहमद की अगर हम बात करें, हर राइटर का कुछ ना कुछ एक मेन होता है ना कि वो हमें अंदाज़ हो जाता है अच्छा वो राइटर है तो वो इस तरह का लिखता है। तो उमैरा अहमद जैसे लिखती हैं कि उनके हर नावल में एक अमीर कबीर लड़का होता है, लड़की भी अमीर होती है, और वो फुल ऑन हर वो चीज़ करते हुए दिखाते हैं जो एक अमीर शख्स कर रहा होता है, मतलब पार्टीज़ कर रहे होते हैं, मुल्कों मुल्कों घूम रहे होते हैं, और सडनली वो दीन की तरफ चले जाते हैं, एट द एंड वो उसे नेक बना देती हैं उमैरा अहमद ना। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार ये तो हमें भी मिलना चाहिए, पहले हम सब कुछ अपने मर्जी का करें और उसके बाद जो है फिर हम अल्लाह की तरफ तौबा शौबा करके चले जाएंगे। तो हर राइटर का अपना हिसाब है। तो रक्से बिस्मिल फिलहाल टीआरपीज़ में बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है, बताने का मकसद ये था कि मैं आपको कह रही हूँ कि रक्से बिस्मिल देखें, अच्छा ड्रामा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर किस ड्रामे की, हाँ आप लोग मेरे हंसने से समझ गए, मैं बात कर रही हूँ उस ड्रामे की जो इतना तवील हो चुका है कि अब लोग उससे बहुत ज़्यादा इरीटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उस ड्रामे से, और वो ड्रामा और कोई नहीं है, वो ड्रामा है नंद जी जनाब, जिसके अंदर मौजूद हैं गौहर और एजाज असलम मौजूद हैं, उसके अलावा उसके अंदर बहरोज सब्जवारी जो हैं उनके साहबजादे शहरोज सब्जवारी मौजूद हैं, मतलब कुछ मेन ये लीड है, बाकी तमाम कैरेक्टर्स अब बदल चुके हैं। स्टार्ट में जो नन और राजे उल्फत इनकी टीआरपीज़ में मुकाबला चल रहा होता था लिसनर्स, लेकिन राजे उल्फत का सबसे खूबसूरत जो पार्ट है वो ये कि वो उसे पीक पे ख़त्म कर दिया गया है, जबकि ये अभी तक चुइंगम बन गया और खिंच रहा है, और लोग बाकायदा अब तंग आ गए और कह रहे हैं कि खुदा के लिए इसको ख़त्म कर दें, अब हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उसे खींचे चले जा रहे हैं, तवील किए जा रहे हैं। तो राजे उल्फत की ये कहानी जो लव ट्राइंगल स्टोरी थी जिसमें इर्तज़ा और मुश्क इफ्तिखार की कहानी थी, वो एक बहुत खूबसूरत कहानी दिखाई गई कि किस तरीके से आपको इतना मासूम नहीं होना चाहिए कि आपको कोई भी मैनिपुलेट कर ले और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर ले। यहाँ मैं माहा मलिक की तारीफ़ करूँगी, माहा मलिक बहुत खूबसूरत राइटर हैं, अगर आप डाइजेस्ट पढ़ते हैं, अगर आप किताबों के शौकीन हैं, नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो आपको माहा मलिक का नाम आपके लिए नया नहीं होगा। अगर नहीं याद आ रहा फिर भी कि माहा मलिक हैं कौन,
जो चले तो जहाँ से गुजर गए। नहीं नहीं मैं शेर नहीं सुनाने वाली थी, ये उनके नॉवल का नाम है जिसमें उमर जहांगीर का एक बहुत मशहूर कैरेक्टर, उन्होंने वहाँ पर उसको जन्म दिया अपने कलम की मदद से, और वो आज तक लोग उन्हें उमर जहांगीर के उससे याद करते हैं। मतलब वहाँ मलिक खूबसूरत रोमांटिक लिखने वाली हैं, और यहाँ राज उल्फत में भी उन्होंने अपनी उस चीज़ को वस्फ को कायम व दायम रखा है। तो महा मलिक को बिल्कुल पढ़ें, और आप राज उल्फत अगर नहीं देखा तो मैं चाहूँगी कि आप उसे देखें और मुझे बताएं कि वो आपको कैसा लगा है। और एक और बात मैं बताने वाली हूँ, आप मुझे बताइएगा कि ये आपको पता है या नहीं पता है कि ये हमारी कौर है और ये हम हैं और ये हमारी पौड़ी हो रही है। अगर आपको ये नहीं पता है तो लिसनर्स आपको पता होना चाहिए कि ये एक लड़की की सिर्फ 4 सेकंड की वीडियो, 4 सेकंड की वीडियो इतनी वायरल हो चुकी है कि अब लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। इवन अभी जो साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान का कंपटीशन हुआ, मुकाबला हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने T20 विन किया, तो वो ट्रॉफी रखी हुई थी और हसन अली ने जो वीडियो बनाई उसने कहा ये हम हैं, ये हमारी टीम है, ये ट्रॉफी है और ये हम पार्टी कर रहे हैं। और इसको बहुत सारी बनाई गई हैं, आप अगर नेट पर जाएँ आप इसको सर्च करें। और इवन ये इतनी वायरल हुई कि BBC वालों ने फाइनली इस लड़की का इंटरव्यू लिया और उसने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी और मैंने तो एक चीज़ मजाक में की, और वो इतनी ज़्यादा मतलब वायरल हो जाएगी मैं सोच नहीं सकती थी, और मेरी मम्मा बहुत खुश हैं, शी इज़ लाइक फीलिंग हर सेल्फ ओवर द मून कि उनकी बेटी इतनी मशहूर हो गई है। तो जनाब कुछ भी हो सकता है, और कहते हैं ना कि अगर आयशा सलीम को PhD की डिग्री मिल सकती है तो कुछ भी हो सकता है। बस मेहनत शर्त है, आप हिम्मत ना हारें तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव चीज़ों से भी आप पॉजिटिव एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर मैं आज एक बुक पढ़ रही थी, वो बुक इतनी मुझे अच्छी लगी कि मुझे लगा कि आपके साथ अगर मैं इसे ना शेयर करूँ तो ये कुछ ज़्यादती हो जाएगी। और वो बुक कौन सी थी? वो बुक थी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये बुक है नॉर्मन विस्नेट पेल की, 1952 में ये बुक जो है पब्लिश हुई है। उसके अलावा ये जो है एक चर्च के पादरी थे, और इनकी क्लासेस लेने के लिए कौन आया करता था? जी जनाब, हमारे अमेरिकन प्रेसिडेंट एक्स जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनके शागिर्द रह चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की जो शादी हुई थी वो इन्हीं के चर्च में शादी हुई थी। ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है, तो मुझे लगा मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी। अगर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है तो ये बुक आपके लिए है, आप इसे पढ़ें और आपकी ज़िंदगी ट्रस्ट में चेंज हो जाएगी। इसमें आपको बहुत बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से आपको पॉजिटिविटी पावर दे सकती है, और मैंने अभी स्टार्ट की है, ख़त्म नहीं हुई, जब मुकम्मल हो जाएगी तो मैं इसके ऊपर छोटा सा रिव्यू आपको ज़रूर दूंगी, और आपने इसे बिल्कुल आगे फ्यूचर में फॉलो करना है। और राइट लिसनर्स, अब बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा, वक्त हुआ जाता है इख्तिताम का, टाटा बाय बाय करने का, लेकिन इस अच्छी सी बात के साथ कि आपने जब कहना है कुछ अच्छा कहना है, कुछ पॉजिटिव कहना है, बिकॉज आई बिलीव इन द पावर ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स कैन मेक यू, ब्रेक यू, फॉर्म यू, डैमेज यू, हील यू, ठीक है। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आप वर्ड्स को किस फॉर्म में यूज करते हैं, इट्स अप टू यू। तो से गुड, से पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। वक्त, ज़िंदगी और हालात ने साथ दिया तो फिर से आपसे मेरी मुलाकात होगी। हमसे रब्ता आप कर सकते हैं www.facebook.com/sabkasaath या फिर www.youtube.com/naisubah। अल्लाह हाफिज़।